कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर साधा निशान। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने बयान देते हुए कहा, दो चरणों की लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 190 लोकसभा में चुनाव के बाद जनता का निर्णय। इंडिया गठबंधन की तरफ आने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट तेजी से बढ़ गई है और अपने चुनावी सभा में समुदाय को बांटने एवं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने में भिड़ गए हैं। 190 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हो चुका, जनता का जो निर्णय था वो विपक्ष में चला गया। आप देखिएगा कि उस चुनाव में जो सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को जो अपेक्षाएँ थी उनके विपरीत उनकी रिपोर्ट है। सरकार जब वो गए और कीजिए आप, 19 तारीख को पहले राउंड का चुनाव हुआ, रात तक बोले बोले की खबर आती रही, पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को उनकी जो एजेंसियां हैं सरकारी, उन्होंने 20 तारीख को ये कन्फर्म कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन हार रहा है चुनाव। और ये संयोग नहीं लगता है कि 20 को वो कन्फर्म हुए हैं कि हम हार रहे हैं, 21 को अपने पहले भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नकाब खींच के फेंक दिया और हिंदू मुस्लिम की व्याख्या करने लगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। एक देश का प्रधानमंत्री और मोदी जी कुछ दिनों से सबका साथ सबका विकास पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन लगा के वोट नहीं आने वाला है।